world renowned tarot card reader, spiritual healer, Dr. Lavina Gupta. 18 वर्षों से हीलिंग के माध्यम से हजारों लोगों को ठीक करने का और उनके जीवन को सही दिशा देने का काम कर रही हैं। लवीना जी सोल सर्चर रिसर्च ट्रेनिंग एंड हीलिंग फाउंडेशन की संस्थापक हैं। वो समय समय पर टैरो कार्ड्स, रेकी, बुद्धा हीलिंग और इसी प्रकार की अनेक वर्कशॉप आयोजित करती हैं। ये वर्कशॉप अटेंड करके आप भी हीलिंग मास्टर बन सकते हैं, जैसे कि आप स्वयं को और अपने आसपास रह रहे लोगों को हील कर सकते हैं। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। ओम बुद्धा। माय सेल्फ डॉक्टर लवीना गुप्ता फ्रॉम द सोल सर्चर फाउंडेशन, और आप देख रहे हैं हीलिंग बुद्धा विद डॉक्टर लवीना गुप्ता। पहले हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस, जैसे कि नाम ही है, धन धन आता है उस दिन, धन का आगमन है, होता है। और ये रिचुअल भी है कि उस दिन हम बर्तन खरीदते हैं और चांदी खरीदते हैं। हम चांदी क्यों खरीदते हैं? जैसे कि बोला जाता है किसी का काम अच्छा चल रहा है तो चांदी चांदी हो गई, तो धनतेरस वाले दिन चांदी खरीदने का बहुत महत्व है। दीपावली अमावस्या के दिन आती है। अमावस्या जब बहुत अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो उसमें हम दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं। सेम वो डिनोट करता है जैसे हमारे जीवन में अगर कोई कहता है कि मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ में आगे कैसे मूव ऑन करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, अरे मेरे तो उसने पैसे ले लिए, या मेरे तो रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, उसने तो मुझे परेशान कर रखा है, तो जब ऐसा अंधकार हमारी लाइफ में आता है तो हम दिए की लौ से रोशन करते हैं उसको और एक रास्ता दिखाते हैं। तो दीपावली का बहुत ही गहरा संबंध है हमारे साथ, यानी कि जब हम दिया जलाते हैं अमावस्या की रात को, तो सेम जो आपके मन में जो अंधकार है उसको रोशनी देते हैं हम दिवाली वाले दिन, उसको बोलते हैं हम दीपावली। और जो भी आपके माइंड में छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, जो कि बंडल हैं छोटे छोटे नकारात्मक ऊर्जा के, नेगेटिव एनर्जी के, उसको हम जलाते हैं पटाखों के साथ। तो हम पटाखे जलाते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा फुलझड़ी जलाता है तो कैसे किलकारियां मार के हंसता है, तो सेम जब हम भी उन परेशानियों को, उन परिस्थितियों को छोड़ देते हैं तो हम भी उसको पटाखे जलाते हैं। पटाखे जलाने का यही प्रतीक है। हम यही नहीं बोलते आपको कि आप बड़े बड़े बम छुड़ाइए, लेकिन छोटा सा आप एक फुलझड़ी ज़रूर जलाएं, जिससे कि आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है वो निकले और जो बंडल हैं नकारात्मक ऊर्जा के, नेगेटिविटी के, अंधकार के, उनको पटाखों के फॉर्म में जला के अपने से बहुत दूर फेंक दें। इसीलिए हम दीपावली बनाते हैं। धनतेरस और दिवाली पर शंख का बहुत महत्व होता है। घर में वामवर्ती शंख रखने से धन एवं सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोल सर्चर फाउंडेशन में अभिमंत्रित वामवर्ती शंख उपलब्ध है। आप फाउंडेशन में आकर वामवर्ती शंख ले सकते हैं। दिवाली, दीपावली वाले दिन, अमावस्या की रात का भी बहुत महत्व है तंत्र साधना में, स्पिरिचुअल साधना में। और ऐसे भी बोला जाता है जिस दिन, उस दिन रात को जो आप सिद्धि कर सकते हैं वो पूरे साल पॉसिबल नहीं है, वो सिद्धियां आपको मिल जाएं। आप लक्ष्मी जी को सिद्ध कर सकते हैं दीपावली वाले दिन। उस दिन आप श्रीम की चैंटिंग करें, 5 हल्दी की गांठ लेके हाथ में 108 बार श्रीम 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 का उच्चारण करें, जाप करें, और उसको अपने कैश बॉक्स में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, या जहां पर भी आप पैसा रखते हैं तो आपके पास पैसे का आगमन होगा। वामवती शंख आपको अपने घर में दीपावली वाले दिन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। वामवती शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी बोला जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इसको लक्ष्मी जी का भाई क्यों हो गए, कैसे बोला जाता है? तो समुद्र मंथन जब हुआ था, शंख भी समुद्र से निकलता है और समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी भी निकली थी, तो वो लक्ष्मी जी के ब्रदर हैं, लक्ष्मी जी के भाई हैं। और जो भी उसको अपने घर में दीपावली वाले दिन रखता है उसके यहाँ स्थिर लक्ष्मी हो जाती है,
उसको पूजन करके रखें। वामवती शंख, अभिमंत्रित सिद्ध शंख, चार शंख आपको सोल सर्चर में मिल जाएंगे। आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं और उसको जैसे वो बॉक्स में रखा हुआ है उसी तरीके से बॉक्स में रखना है जैसे कि खजाना है वो आपका। खजाने के फॉर्म में रखेंगे उसको, अभिमंत्रित है वो, उस फॉर्म में ही रखेंगे तो आपके पास हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। उसके साथ आप 5 हल्दी की गांठ उसमें ही रखें और उसके साथ डेली आप श्रीम 108 बार चैंट करें। 108 बार भी बोल सकते हैं, 11 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन 108 बार आप 11 दिन बोलेंगे तो लक्ष्मी जी आप सिद्ध कर लेंगे। और दीपावली का पूरे साल हम अपने घर को सफाई करते हैं, अच्छा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि लक्ष्मी जी को अपने घर कैसे बुलाया जाए, लक्ष्मी जी का आगमन कैसे हो, मनी को, प्रॉस्पेरिटी को हम कैसे अट्रैक्ट करें। तो ये छोटा सा उपाय करके आप हमेशा के लिए लक्ष्मी जी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और अपनी लाइफ में खुशियों को आमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित शंख, वामवती शंख मैं भी हर साल अपने स्टूडेंट्स के लिए मंगवाती हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए मंगवाती हूँ। आप भी गिवन नंबर्स पे संपर्क करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपने लिए मंगवा सकते हैं, जिसमें कि आप दिवाली पूजन में साथ में अपने घर भी वामवती शंख को स्थापित कर सकें। धनतेरस और दिवाली पर शंख का बहुत महत्व होता है। घर में वामवती शंख रखने से धन एवं सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोल सर्चर फाउंडेशन में अभिमंत्रित वामवर्ती शंख उपलब्ध है। आप फाउंडेशन में आकर वामवर्ती शंख ले सकते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप लवीना जी को कॉल कर सकते हैं या फिर उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर मैसेज भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें उनकी वेबसाइट www.reikisadhana.com। लवीना जी द्वारा दी गई टिप्स और समाधान को जानने के लिए सब्सक्राइब करें उनका यूट्यूब चैनल डॉक्टर लवीना गुप्ता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।